सर ये आज का प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ओके थैंक यू। आज हम सब यहाँ इकट्ठा होके वोटर्स डे मनाया गया है। आज का दिन है 25 जनवरी और ये 1947 में देश आज़ादी हुआ है। आज़ादी के बाद कौन सा सरकार भारत को चाहिए, इसका कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली अंडर बी आर अम्बेडकर उन्होंने चुना है भारत देश के लिए। हम लोग रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हिसाब से इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 25 जनवरी को ये दिन लागू हुआ है। उसी का बाद हम एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन चल रहा है। तो ये शुरू से ये वोटर्स डे नहीं मनता था, अभी वोटर्स डे मनाया हुआ सिर्फ 13 साल ही हुआ है। आज 13th वोटर्स डे, इसको भी ऐसा मानना चाहिए, लोगों तक जानकारी होना चाहिए, यूथ लोगों को अपना वोटर्स का अधिकार और इसका महत्वपूर्ण क्या है। तो यही है और इसी हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन का तरफ से भी एक मैसेज संदेशा था, आपने देखा है सुना है। और उसका ऊपर में एक गाना भी नेशनल जो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज में एक गाना का रूप से भी प्रचार हुआ है, उसको भी आप सब ने देखा है सुना है। और यही वही है कि हम भी अपना ये इस ज़िले लोअर सुनसरी के ज़िले पे हेडक्वार्टर में ये वोटर्स डे का हिसाब से मनाया है। और आज के दिन का इस अवसर पर हमने कई यूथ जो नया फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोटर कार्ड दिया है आइडेंटिटी कार्ड, और उसको सही इस्तेमाल करने के मैंने प्रचार भी किया है। उन सबसे रिक्वेस्ट किया है आजकल पैसा का लालच में वोटिंग नहीं होना है, अपना सही दिलो दिमाग को इस तरह इस्तेमाल करके अच्छा लीडर चुनना है बोल के मेरा वो संदेशा दिया है। और यही था और ये इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टिव। तो आज का दिन में ये जो बूथ लेवल ऑफिसर जो कि इलेक्शन कमीशन का सबसे वो नीचे में हिस्सा उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो बूथ लेवल ऑफिसर लोग हैं। तो जहां में ये अभी वोटर्स कार्ड में आधार शेडिंग भी होता है, आधार लिंकिंग, तो जो जो बूथ लेवल ऑफिसर ने 80% एबोव ये हासिल किया है तो उसको इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर डेडिकेटेड सर्विस उनको भी एक मैंने एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया है और उनको सराहना किया है, उनको प्रशंसा किया है, ये उन्होंने अच्छा काम किया है बोल के। तो आने वाला दिनों में भी और अगले साल भी ये वोटर्स डे मनाएंगे। और अभी आप लोगों यूथ लोगों के लिए एक संदेश है ये भी कि इलेक्शन कमीशन भी ऑलरेडी बताया है अभी 17 साल आप एज हो गया तो आप वोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो उसको आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दो बार ज़रूरत नहीं है, अभी साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन क्वार्टरली दो तीन महीना में ये खुल दिया है। तो जिन्होंने भी इस 4 क्वार्टर्स में जिनका 17 ईयर्स हो गया है वो एडवांस रजिस्ट्रेशन करके तो 18 साल होते ही उनको वोटिंग राइट का मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। जैसे कि आपने जो बच्चों को आज जो फर्स्ट टाइम जो वोटर आई डी कार्ड दिया गया था तो आपने काफ़ी अच्छा एक शब्द उनको समझाया कि अपना जो वोट है उसको बेचा ना करें, लेकिन हमारे यहाँ के जो ओपिनियन पार्टी होते हैं जो अभी जो फिलहाल रूलिंग कर रहे हैं उनको हटाने के लिए पैसा देते हैं टोकन एज ए टोकन ऑफ लव उसे कर करके वो लोग खुद खरीदना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसका ये ख़राब आदत चल रहा है, ये हमारा सिर्फ जीरो में नहीं बोल के यहाँ में अपाटनी यूथ एसोसिएशन भी काफ़ी इसका ऊपर में पहले से प्रीवियस इलेक्शन में भी इससे इलेक्शन में भी उन्होंने दो जितना भी कैंडिडेट्स है उनको एक कॉमन प्लेट में ला के पैसा का इस्तेमाल मत करो। और जो भी वोटर्स लोग भी है उन लोगों को भी अपील करते आया है हम सब पैसा का लालच में नहीं होना है, अगर हमारा स्टेट देश हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप होना चाहता है तो उनको हम उनका कर्म पे ही देख के उनका कैरेक्टर देख के उनका कामकाज को देख के क्वालिटी को देख के चुनना है बोल के। इसका ऊपर में डिबेट भी हुआ है
और ये इनिशिएशन हमारा पटनी यूथ एसोसिएशन ने किया है, प्लेज भी सपोर्ट भी लिया है, उन लोगों से कंटेस्टिंग कैंडिडेट से एग्रीमेंट भी लिया गया है। तो अभी क्या कहे जाए, ये एक ही आदमी का नहीं है। तो मैं आपका माध्यम से, मैं मेरा तरफ से भी अपील करना चाहूँगा, हम सब उसको थोड़ा दूर रहे पैसा से, और पैसा अगर लेता है तो अभी व्हाट्सएप में भी एक वायरल हो रहा है उसका बारे में, आप दरवाजा दरवाजा पे दे के पैसा दिया जा रहा है, जितने का बाद जिन्होंने पैसा लिया है उसको मुड़ के भी नहीं देखा है। इसका एक अच्छा एक लेसन उसको वीडियो व्हाट्सएप में भी ये जारी करके ये भी उन लोग बना के दिखाई दे रहा है। अभी कोलोरियंग में भी हमारा गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर उस कोलोरियंग का वासियों एक रिसेंटली आपका ये व्हाट्सएप में ही मैं देखा हूँ आप लोगों का माध्यम से, और उसमें भी चर्चा हुआ है कि हम सब पैसा का लालच में नहीं रहना है, कैंडिडेट कंटेस्टिंग कैंडिडेट से बिल्कुल पैसा नहीं ले, मैंने उन शपथ लिया है। तो ये सभी को अच्छा नहीं लगता है, सभी को पता है, सभी को उसका डीमेरिट को गलत तरीका को सबको मालूम है, फिर भी एक अपना ह्यूमन ग्रीड लालच जो एक उसको ओवर पावर कर जाते हैं। तो अगर ये हम ही सबको थोड़ा सतर्क रहना है, और आप एक पावरफुल मीडियम में रहा है तो आपका पावरफुल मीडियम से भी बीच बीच में उसका कैंपेन चलाने से अच्छा है हम सब एक इसका कोलैबोरेट करके एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसका ऊपर में भी हम लोग थोड़ा लोगों तक क्या हानि करके उसको संदेशा पहुँचाना चाहिए। थैंक यू। एक क्वेश्चन सेग्रीगेशन को लेके हो रहा है मेरी तरफ से, कि अभी हमारे जो लोअर सुबनसिरी में जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें से सिर्फ 0 ऐसा जगह है जहाँ कचरा डंपिंग करने का एरिया नहीं मिल रहा है, और ये सेग्रीगेशन का प्लानिंग भी कुछ दिन पहले आप लोग की तरफ से निकला था, लेकिन ये जो हमारे पब्लिक है वो अभी तक अवेयर नहीं है कि ये सेग्रीगेशन है वो किस तरह से किया जा रहा है। तो आप लोग की तरफ से क्या एक ये डेमोक्रेसी डेमो नहीं दिखाया जा सकता ये पब्लिक लोग को? बिल्कुल ये सही बात आपने बोला, हमारा इसके लिए डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, इसका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट उसका जिम्मेवार है। तो डंपिंग ग्राउंड अभी डंपिंग ग्राउंड नहीं बोलता है, इसका रिकवरी सेंटर होता है। तो ये ऐसा जगह नहीं है बोल के नहीं है, ऑलरेडी 14 किलोमीटर बनाया हुआ है जहां वो सेग्रीगेशन प्लांट ऑलरेडी बनाया हुआ है, उधर मशीन बैठाया गया है, चालू है, करेगा बोल के मुझे आश्वासन इंजीनियर बोला है। और सबसे पहले मैं उसको महत्वपूर्ण को गंभीरता को देखते हुए सुबनसिरी सदन में उन सब को मीटिंग भी बुला लिया है, इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर उनका जितना कर्मचारी इवन स्वीपर लोगों को भी मैं एक जगह पे बुलाया, सबको हम लोग आपस में बात हुआ है किस ढंग से काम करना है। ये है बैंक, उसको कचरा ये ऐसा एक चीज़ है, इसका खान पान जो हमारा किचन वेस्ट वेजिटेबल वेस्ट वो कागज़ में पॉलीथीन में और प्लास्टिक बोतल में अगर मिला जाए तो वो उसको कुछ सफा नहीं कर सकता है, उसको सरना ही पड़ेगा और बदबू ही मारेगा। इसीलिए मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इसका ऊपर में जारी किया है, और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उसको भाषण दे रहा हूँ, सेग्रीगेशन प्राइमरी सेग्रीगेशन हमारे घरों में होना पड़ेगा, हम घर तक पहुँचना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को आश्वासन दिया है काम करना है, तो उन सब तो काम में लगे रहे हैं। तो अभी प्रचार चल रहा है, लोगों तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है, और हम सबको आपको भी अपना घर से जो खाने पीने का जो कचरा बायोडिग्रेडेबल जो सर सकता है, अपना आंगन है बागान है तो कंपोस्ट पिट बनाए उसी को उधर फेंको, अगर प्लास्टिक और कागज़ को सूखे हाल में हम कचरा उतारने को दे देता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मशीन से भी बर्न किया जा सकता है, टुकड़ा टुकड़ा सेटिंग करके बेचा भी जा सकता है, और कवारी लोगों से भी ताल मिल के उसको अच्छा चीज़ को प्लास्टिक बोतल को प्लास्टिक आइटम कार्टून को सूखे हालत में पैक करके हम उसको दोबारा देट कैन बी ए बिजनेस। तो ऐसा कई जगह में वो हो भी रहा है, तो ये इस ढंग से हमको अभी सोचना पड़ेगा, अगर सबको मिलावट करके देगा तो हमारा 20,000, 10,000, 20,000, 30,000 यहाँ का जो जनता जो बैंक रहा है उसमें 10-15 आदमी काम नहीं कर पाएंगे, और उसको हम सबको सोचना है। तो आप सब ये नहीं सोचना है कि डिपार्टमेंट में काम करने वाला है,
लेकिन 7 टन पर डे निकलता है, 7 टन से ज़्यादा। सबको मिलावट करके देगा तो वो नहीं सकेगा। और यहाँ मशीन ऐसा मशीन नहीं है कि उसको अपना अपना सेग्रीगेट कर सके, वो नहीं है। तो वो सदा नहीं है, तो हम सबको अभी लोगों को ये जानकारी होना पड़ेगा। तो उसका यही है कि सेग्रीगेशन, इसीलिए प्राइमरी सेग्रीगेशन जे घरों में। तो हमने ये बताया कि ये जो सरने वाला बायोडिग्रेडेबल को लिए एक ग्रीन बकेट रखे, और जो प्लास्टिक कागज के लिए एक येलो बकेट रखे, और जो बोतलें और जो नहीं सर सकता है लोहा इस दंग ऐसा चीज़ के लिए एक रेड बकेट रखना है। और तो बकेट जरूरत नहीं है उसका, कोई आप कार्टून भी रख सकता है। लेकिन ये जो किचन वेस्ट को कुछ बाल्टिंग या अच्छा माने रखने वाला, रखने का एक अच्छा साधन होना पड़ेगा। तो बाकी को आप सूखे हालत में प्लास्टिक बैग में डाल के दे सकता है, उसके लिए भी कचरा उतारने के लिए गाड़ी तो है, मैन पावर है। लेकिन कचरा एक साथ मिला है तो ये 10-15 आदमी से माने नहीं हो पाएगा। जगह हमारा वो कचरा को प्लांट, ये रिकवरी प्लांट बोलता है, सेग्रीगेशन प्लांट ऑलरेडी बनाया हुआ है, बनाया हुआ है, अभी इस्तेमाल भी कर रहा है। थैंक यू सर। कल जैसे कि 26 जनवरी का दिन है, तो आपके तरफ से दो शुभकामनाएं हमारे पब्लिक को आज एडवांस में कर देने से। हाँ, मैं मेरा भाषण में भी मैं यही कल भी रिपीट करूँगा, सेम चीज़ को भी आप सुनेंगे। तो आप संदेशा में आज का दिन में सभी को, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। और ये अभी हमारा गवर्नेंस कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। पहले हम सब राजा का तरह मैंने बैठता था, ऑफिसर राजा का तरह बैठता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तीन चीज़ हर एक डिपार्टमेंट को लोगों तक जानकारी चाहिए, कौन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और ये हर एक डिपार्टमेंट को सिर्फ एजुकेशन स्कूल में नहीं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। तो अभी सरकार, पहले शिविर कैंप होता था शुरू में लोगों का भलाई के लिए, बीच बीच में ऑफिस से समय निकाल के लोगों तक पहुंचता था। बाद में ये अच्छा साबित हो रहा है बोल के सरकार आपके द्वार कैंप लगा, बीच बीच में लोगों तक, लोगों का सामने में जाके उसको जो तत्काल सर्टिफिकेट जो जो दे सकता है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, जो जो इस तरह का सर्टिफिकेट जो तत्काल में दे सकते थे, ये सेवा करता था। अभी उसको अदल बदल करके सेवा आपके द्वार, यानी कि जनता को हम सेवा करना ही है तो किस ढंग से हम करेंगे। वो सेम चीज़ जो तत्काल सर्विस, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और एसटी सर्टिफिकेट इस ढंग से, और रेशन कार्ड भी जो तत्काल जो बन सकता है कि नहीं सकता है, और कुछ अन्य सुविधा, ये जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना और वोटर सीडिंग, वोटर कार्ड में ये जो आधार लिंकिंग करना, अभी इसका हमारा सेवा आपके द्वार का जरिए से काफ़ी मैंने सुधार आया है। लोगों काफ़ी कुछ चीज़ें में रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है जानकारी। और एक है ये इंश्योरेंस कवरेज में भी पहले लोगों को मालूम नहीं था, अभी बैंक वाला भी काफ़ी स्पोर्ट में ही मैंने 10-15-20 ऐसा रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो काफ़ी सुधार आया है। तो ये एक जो जितना भी अभी प्रोग्राम हम लोग बना रहा है, ये गवर्नेंस चेंजिंग गवर्नमेंट अभी बोलता है कि हम सबको आराम से मत बैठो, लोगों तक पहुँचो, दुख दर्द को जानो, उनको सेवा करना है, क्या क्या सुविधा है उन तक पहुँचना है। और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अन्य डिस्ट्रिक्ट की तरह, अन्य देशवासियों की तरह हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं और लगे कोशिश में लगे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।